आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बंगाल के बीरभूम में एक साधु का शव पेड़ पर लटका मिला है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि यह हत्या है और इसे अतिक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया है। ये चरमपंथी संगठन का काम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को बीरभूम में काली मंदिर के बगल में पेड़ पर एक अघोरी की बॉडी मिली थी। साधु का नाम भुवन बाबा है। इस घटना के बाद सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को ईस्ट मिदनापुर में नंदीग्राम में एक सभा के दौरान कहा, सनातन का एक साधु मारा गया, यह डॉन अतिक अहमद की हत्या का बदला है। तृणमूल कांग्रेस एक परंपरा चला रही है जिसका नाम है हैंगिंग बंगाल। ये लोगों को लटकाकर मारते हैं और ऐसा ही कुछ इस साधु के साथ भी हुआ है। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि चरमपंथी संगठन जमात उल विदा ने साधु की हत्या की है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य से उसे हिंदू धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक धर्म गुरुओं ने उन्हें फोन किया है और वे इस घटना से घबराए हुए हैं। इस घटना की जांच की जाए, साधु का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।